ऑनलाइन बैंकिंग के सिस्टम के आने के बाद वैसे तो चेकबुक की जरूरत काफी कम हो गई है, क्योंकि अब ज्यादातर लोग ऑनलाइन या डिजिटल पेमेंट और ट्रांजेक्शन पर ही भरोसा जता रहे हैं। ये काफी आसान है और इससे समय भी बचता है। लेकिन अगर आप पैसे के लेन देन के लिए चेक का इस्तेमाल करते हैं तो आपके लिए एक अच्छी खबर है। दरअसल चेक क्लियरेंस के प्रोसेस को आसान बनाने के लिए RBI एक नया सिस्टम लेकर आया है। RBI ने चेक ट्रांजेक्शन सिस्टम यानी CTS को पूरे देश में लागू करने का फैसला किया है। RBI ने कहा है कि CTS से काफी फायदा हुआ है, इसी को देखते हुए सितंबर 2020 तक इसका इस्तेमाल हर जगह शुरू किया जाएगा। चलिए आपको बताते हैं कि CTS क्या है और ये कैसे काम करेगा। CTS लागू होने के बाद आपके चेक को क्लियर होने के लिए एक बैंक से दूसरे बैंक नहीं जाना होगा, बल्कि इसकी इलेक्ट्रॉनिक इमेज भेजी जाएगी। इसके साथ ही दूसरी जरूरी जानकारी जैसे MICR बैंड भी भेजी जाएगी। उसके खोने और डैमेज होने का खतरा भी कम हो जाएगा। अभी चेक को क्लियर होने में 2 से 3 दिन तक का समय लग जाता है। जिन ग्राहकों के पास CTS मानक वाले चेक नहीं है, उन्हें अपने बैंक से CTS वाली नई चेक बुक इशू करानी होगी। पुराने चेक के बदले आप बैंक से नया चेक बुक ले सकते हैं और इसके लिए आपसे कोई चार्ज भी नहीं लिया जाएगा। फिलहाल ये सिस्टम कुछ ही बड़े शहरों में लागू है। CTS चेक से आपको कई तरह के फायदे होंगे। ऐसे चेक का फर्जी इस्तेमाल नहीं हो पाएगा, साथ ही देश में किसी भी जगह किसी भी बैंक में क्लियरिंग की सुविधा मिलेगी। पेपर क्लियरिंग से होने वाले रिस्क से भी छुटकारा मिलेगा, साथ ही इससे बैंक और ग्राहकों दोनों को ही सहूलियत रहेगी। आपको बता दें कि CTS भारत में सबसे पहले साल 2010 में लाया गया था। उसके बाद RBI ने इसे कई जगहों पर लागू किया था। इस सिस्टम के जरिए बैंक चेक के MICR बैंड और कैप्चर सिस्टम की मदद से चेक की तस्वीर खींचता है, जिससे चेक क्लियरेंस की स्पीड फास्ट हो जाती है।